Assalamu alaikum. Students, welcome to my YouTube channel, Knowledge for Students. Students, today we are starting the class number 40. And in today's class, we are going to learn the uses of had. लेकिन स्टूडेंट्स क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए. और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं. तो चले आए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं हैड की, राइट. अब जैसे कि हमने पिछली क्लास में हैज और हैव का यूज पढ़ा था, अब आपको एक चीज मैंने बताई थी कि अगर आप फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो वो प्रेजेंट है. अब हैज और हैव की सेकंड फॉर्म जो होती है वो हैड है, राइट. तो अब ये जो हैड है ये उसी मकसद के लिए यूज होगा जिस मकसद के लिए हैज और हैव यूज होते थे. फर्क सिर्फ इतना आएगा कि इसका जो सेंस होगा वो पास्ट होगा, ठीक है. इसमें भी चीजें वही तीन बयान की जाएंगी, टू एक्सप्रेस पोजेशन, पोजेशन मीन मलकियत, टू एक्सप्रेस डिजीज और रिलेशनशिप इन द पास्ट, यानी कि गुजरे हुए वक्त में आपने किसी की कोई मलकियत जाहिर करनी है, बीमारी जाहिर करनी है या फिर रिश्ता जाहिर करना है तो उसके लिए हम हैड का यूज करेंगे. तो अगर आपने हैज और हैव का यूज अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे अंदाज में समझने के लिए सबसे पहले आप हैज और हैव का यूज पढ़ें, उसके बाद आप हैड की तरफ आए, बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है. अच्छा, अब इसमें हमारी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस का प्रेजेंट आप जानते हैं तो उसका पास्ट कन्वर्ट करना आपके लिए कोई इशू नहीं है. ये हमने टेंसेस की लास्ट क्लास में देखा था, राइट. तो अब यहां पर भी देखें सेम वही रूल यूज हो रहा है कि पास्ट में हम सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं. तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थिंग नेम, डिजीज नेम और रिलेशनशिप नेम, ओके. तो चले आए सेंटेंसेस को बना के देखते हैं. तो अब ये चीज मैंने आपको पहले समझाई हुई है कि पोजेशन किस तरह से जाहिर करते हैं, डिजीज किस तरह से जाहिर करते हैं, रिलेशनशिप किस तरह से जाहिर करते हैं. प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने हैज और हैव वाली क्लास अटेंड नहीं की है तो उसको प्लीज जरूर अटेंड करें, आपको समझ आ जाएगी कि हमने पोजेशन, डिजीज या रिलेशनशिप के लिए हैज और हैव का किस तरह से यूज पड़ा है और ये पोजेशन किस तरह से जाहिर करनी है, डिजीज किस तरह से जाहिर करनी है और रिलेशनशिप किस तरह से जाहिर करना है. ये चीजें डिटेल के साथ हैज और हैव वाली क्लास में मैंने बताई हुई है. अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं किया तो प्लीज जरूर अटेंड कर लें, उसके बाद फिर इसकी तरफ आए, इंशाल्लाह आसानी के साथ इसको फिर अंडरस्टैंड कर लेंगे. तो अब जैसे कि आपको पता है कि हैड हैज और हैव की सेकंड फॉर्म है तो डेफिनेटली उसी मकसद के लिए यूज होगा जिस मकसद के लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं. फर्क सिर्फ इतना आएगा कि ये पास्ट की बात करेगा, यानी कि पास्ट की मलकियत, पास्ट की बीमारी और पास्ट का रिलेशनशिप शो करेगा. तो चले इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सब्जेक्ट है प्लस हैड है प्लस थिंग नेम, डिजीज नेम और रिलेशनशिप नेम. तो अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं, उसके बाद आगे चल. तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है कि उसके पास नया फोन था. सो अब वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है. सो सबसे पहले सब्जेक्ट ही और शी, देन हैड, देन चीज का नाम, नया फोन, आ न्यू फोन. ही हैड अ न्यू फोन या शी हैड अ न्यू फोन. उसे अस्थमा था या उसे दमा था. ही और शी, यानी कि ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है. हैड अस्थमा, दमे को इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं. सो शी हैड अस्थमा. उसके बहुत से रिश्तेदार थे. सॉरी, उसके वो एक लड़का या लड़की है तो ही आएगा. ही और शी हैड many relatives. So he had many relatives या she had many relatives. So I hope so यहां तक बात समझ आ गई होगी. तो चले अब बात करते हैं, हम एक और sentence लिख के उसको देखते हैं और उसके बाद इसके negative की तरफ आते हैं. हमारे पास अगला sentence है कि मेरे दो घर थे, right?
तो आ सब्जेक्ट कौन है यहां पर आई, देन हैड, आई हैड क्या था दो घर, टू हाउसेस, आई हैड टू हाउसेस। इसी तरह से मुझे दिल का मसला था, सब्जेक्ट कौन है, किसको दिल का मसला था मुझे, सो सब्जेक्ट मैन आई, देन हैड, देन बीमारी का नाम लिखना है यहां पे, तो दिल का मसला हार्ट प्रॉब्लम, सो आई हैड हार्ट प्रॉब्लम, आई हैड हार्ट प्रॉब्लम, मुझे दिल का मसला था, मेरे बहुत से शागिर्द थे, आई हैड मैनी स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ये हमारे हैड के तीन यूजेस हैं। आप देखिए कि यहां पर मैंने चीज का नाम लिखा तो पोजेशन जाहिर होगी, बीमारी का नाम लिखा तो बीमारी जाहिर होगी, और रिश्ते का नाम लिखा तो यहां पर रिलेशनशिप शो हो गया। कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं है, बस सिंपली आपने इसका मकसद समझना है कि मकसद क्या है, ठीक है। तो अब ये चीज डिटेल से मैंने हैज और हैव में बताई हुई है, प्लीज एक दफा हैज और हैव की क्लास अटेंड कर लें, उसके बाद हैड को पढ़िएगा, ओके। तो चले आए आप देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, और इसकी मैं लंबी चौड़ी डिटेल में इसी वजह से नहीं जा रहा क्योंकि ये डिटेल में हैज और हैव में बता चुका हूं, तो बार बार क्लास को खींचना जो है मेरा ख्याल है सूटेबल नहीं है। तो चले देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंसेस की जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस थिंग नेम डिजीज नेम और रिलेशनशिप नेम। अच्छा यहां पर अब आप ये सोचे होंगे कि सर हम पढ़ तो हैड मॉडल वर्ब रहे, सॉरी हैड पढ़ रहे हैं, लेकिन सॉरी ये याद रखिए ये मॉडल वर्ब नहीं है, तो यहां पर हम पढ़ तो हैड रहे हैं लेकिन यहां पर हम हैव का यूज क्यों कर रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि यहां पर हम डिड का यूज कर रहे हैं। अब डिड जो है ये ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म सेंटेंस में सिर्फ एक ही बार यूज हो सकती है, एक ही सेंटेंस के अंदर दो सेकंड फॉर्म में इकट्ठी नहीं आ सकती, इसलिए अब यहां पर मैंने डिड सेकंड फॉर्म यूज की और हैड की मैंने बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली हैव, राइट। तो यहां पर आई होप सो पता चल गया होगा कि हमने हैव को क्यों यूज किया है, राइट। तो चले ऐसे सेंटेंसेस बना के देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है कि हमारे पास गेंद नहीं थे, सॉरी नहीं था, सब्जेक्ट कौन है वी, देन डिड नॉट, देन हैव, वी डिड नॉट हैव, क्या नहीं था गेंद, अ बॉल, वी डिड नॉट हैव अ बॉल, हमारे पास बॉल नहीं था या हमारे पास गेंद नहीं था। सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास के हमारे गले में मसला नहीं था या हमें गले का इशू नहीं था, वी डिड नॉट हैव थ्रॉट प्रॉब्लम, थ्रॉट कहते हैं गले को, वी डिड नॉट हैव थ्रॉट प्रॉब्लम, हमें गले का मसला नहीं था। इसी तरह से लास्ट जो सेंटेंस है हमारे ग्राहक नहीं थे, We did not have any customers. So, यहां पर याद रखिएगा कि ये गाहक और ये भी एक रिश्ता होता है, जिस तरह के शागिर्द और उस्ताद का जो है वो एक रिलेशन होता है, इसी तरह से गाहक और दुकानदार का भी एक रिलेशन होता है, तो ये भी एक रिलेशन है, ठीक है। तो यहां पर आप देखें कि बाकी सारे का सारा सेंटेंस सेम है, सिर्फ चेंज आ रहा है तो हैव के बाद का चेंज आ रहा है। अब देखिए यहां पर हमने हैव के बाद चीज का नाम लिखा तो मलकियत जाहिर होगी, यहां पर हैव के बाद हमने बीमारी का नाम लिखा तो बीमारी जाहिर हो गई, और यहां पर हमने किसी रिश्ते का नाम लिखा तो वो रिश्ता जाहिर हो गया। तो ये इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। एक और नेगेटिव सेंटेंस और बना के देखते हैं और उसके बाद फिर हम इंट्रोगेटिव की तरफ आते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है कि उसके बाद पास दूध नहीं था, सो सब्जेक्ट कौन है वो, यानी कि उसके पास, किसके पास, वो एक लड़का हो सकता है, वो एक लड़की हो सकती है, सो हम ही का यूज करते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पे शी का भी यूज कर सकते हैं, ही डिड नॉट,
डिड, यानी कि सब्जेक्ट लगाया फिर डिड नॉट लगाया, फिर आगे हैव, ही डिड नॉट हैव, दूध नहीं था, एनी मिल्क, ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क, उसके पास कोई दूध नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके सीने में दर्द नहीं था, ही डिड नॉट हैव, यानी कि हैव तक तो ये सारा सेम ऊपर वाला ही सेंटेंस रहेगा। अब क्या नहीं था उसे सीने में दर्द, पेन इन हिज चेस्ट, राइट, पेन दर्द इन हिज चेस्ट, उसके सीने में, यानी कि उसके सीने में दर्द नहीं था, सो ही डिड नॉट हैव पेन इन चेस्ट, कहे तब भी ठीक है, इन हिज चेस्ट कहे कि उसके सीने में दर्द नहीं था तो तब भी सही है। और लास्ट सेंटेंस है हमारा कि उसका कोई भाई बहन नहीं था, ही डिड नॉट हैव एनी ब्रदर और सिस्टर, यानी कि उसका कोई भी भाई बहन नहीं था। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी, और आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है कि जो लफ्ज हमने नॉट से पहले यूज किया उस लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में लगाना है तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो चले आए देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। सो स्टूडेंट्स, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थिंग नेम डिजीज नेम और रिलेशनशिप नेम, ओके, एंड एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है कि क्या आपके पास घड़ी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिड देन सब्जेक्ट यू देन हैव डिड यू हैव, अब यहां पर चीज का नाम लगाना है तो क्या चीज थी, घड़ी, एनी वॉच, डिड यू हैव एनी वॉच, क्या आपके पास कोई घड़ी थी। इसी तरह से क्या आपको शदीद बुखार था, डिड यू हैव बैड टेम्परेचर, टेम्परेचर कह लें फीवर कह लें एक ही बात है। सो डिड यू हैव बैड टेम्परेचर, क्या आपको शदीद बुखार था। अच्छा बैड, अब जैसे कि आप कहते हैं कि बहुत शदीद खांसी थी, तो अब बैड कफ, सख्त शदीद जुकाम था, बैड फ्लू या कोल्ड, राइट। तो यहां पर आपने ये चीज समझ लेनी है कि जब भी आप शदीद या सख्त बुखार, सख्त खांसी, सख्त जुकाम या कोई भी इस तरह का चीज यूज करेंगे तो उसके लिए आपने साथ बैड का वर्ड यूज कर लेना है, राइट। ओके, सो लास्ट सेंटेंस है, क्या आपका कोई कजन था, Did you have any cousin? So did you have any cousin? क्या आपका कोई cousin था? So students, अगर आप notice करें तो have तक पूरे के पूरा sentence same है, फर्क आ रहा है इन जगहों पर, ठीक है। तो यहां पर हमने चीज का नाम लगाया तो पास्ट की मलकियत शो होगी, यहां पर हमने बीमारी का नाम लगाया तो ये बीमारी जाहिर होगी, और यहां पर हमने रिश्ते का नाम लगाया तो ये हमारा एक रिलेशनशिप जाहिर हो गया। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज समझ आ गई होगी। एक सेंटेंस और बना के चेक कर लेते हैं इंटरगेटिव का और फिर क्लास को एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या उसके पास कोई बैग था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिड देन सब्जेक्ट, यानी कि किसके पास की बात कर रहे हैं, उसके पास, यानी कि वो एक कोई लड़का भी हो सकता है, वो एक लड़की भी हो सकती है, राइट। डिड ही और शी, दोनों में से जो मर्जी आप चूज कर रहे हैं, राइट, सॉरी यहां पर एस स्मॉल में होगा। सर डिड ही या डिड शी देन हैव कोई बैग, एनी बैग। So, did he have any bag? Yeah, did she have any bag? क्या उसके पास कोई बैग था? Next sentence है, क्या उसे शदीद खांसी थी? Did he or she then have then बीमारी का नाम कफ? Did he have cough? Yeah, did she have
सॉरी बैड भी लिखना था क्योंकि हमने शदीद लिखा है. सो डिड ही हैव बैड कफ या डिड शी हैव बैड कफ. और लास्ट सेंटेंस है हमारा, क्या उसकी कोई दोस्त थी. डिड ही आर शी हैव एनी फ्रेंड, क्या उसकी कोई दोस्त थी. राइट right? तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं. सिंपल से फॉर्मूले हैं, सिंपल सी चीजें हैं, वही सारी चीजें जो कि मैं पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूं. अगर आप उन्हीं चीजों को फॉलो करें तो आपके लिए ये सब चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस सिंपली आपने इनका मकसद समझना होगा कि कौन सी चीज किस मकसद के लिए यूज होती है. अब उसको यूज कैसे करना है वो कोई इतना इशू या इतना प्रॉब्लम नहीं है. सो फिर भी स्टूडेंट्स अगर कोई चीज कंफ्यूज कर रही है, कोई चीज नहीं समझ आई, तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं. दुआओं में याद रखिएगा. और कोई चीज नहीं समझ आई तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर लीजिएगा. अगली क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह निगहबान.